लेकिन मैं जो देकर के आया हूं 19 दिन पीजीआई में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से अपने सभी माननीयों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में ना रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी, मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर थे। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, माननीयों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं, डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी, क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना, तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम, वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं, तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई, कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है, मुख्यमंत्री। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी की का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं, किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है, चलिए आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे, मतलब कोई, मतलब वो, मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो माननीय शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते, और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। मतलब इतना गंभीर मामला। और मान्यवर, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, मैं 19 समाप्त कर, नहीं मैं समाप्त कर दूंगा, अब हमारा केवल दर्द सुन लीजिए। मैं 19 दिन तक एडमिट था, 11वें दिन हमारी फिर टेस्ट हुआ, मैं फिर पॉजिटिव आ गया, फिर 4 दिन बाद टेस्ट हुआ, फिर पॉजिटिव आ गया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन से हमसे कहा कि सरकार का शासनादेश हो गया है कि तुम घर पर रह करके ठीक हो सकते हो, इस सरकार की व्यवस्था पर भरोसा मत करो, और जांच करा करके आप लिख करके देख आओ कि हमको इलाज नहीं कराना, हम होम क्वारंटीन रहना चाहते हैं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मान्यवर आपको, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं, हो सकता है कि हम निगेटिव आ जाए। हमारी एक जांच हुई जिसमें मैं पॉजिटिव आया, नर्स ने कहा कि आप पॉजिटिव हैं, डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है, हमको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। हमारा सुबह दूसरा टेस्ट हुआ, जब दूसरा टेस्ट हुआ, जब शाम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट क्या आई, तो उन्होंने कहा कि आपका रैपर बदल गया था, इसलिए शाम को तीसरा टेस्ट होगा। जब तीसरा टेस्ट हुआ,
तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका सैंपल बदल गया है, इसलिए आपका चौथा टेस्ट होगा। हमारा चौथा टेस्ट हुआ। चौथे टेस्ट में मानवर जानते क्या हुआ, जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका फार्म तो वहां चला गया था लेकिन सैंपल नहीं गया है। तो हमने कहा पांचवा कर लो। हमारा पांचवा टेस्ट हुआ। पांचवा टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको पीजीआई में इलाज नहीं कराना है, हम घर में रहकर के जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वस्थ हो जाएंगे। मैं पहला पेशेंट हूं सरकार के निर्देश के बाद जो ये लिख करके आया कि मुझे नहीं इलाज कराना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सभी डॉक्टरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर भगवान की तरह दिखता, हमको भी 19 दिन भगवान की तरह दिखा और हम भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन ये अव्यवस्था आखिर कैसे।